आज हम बनाएंगे मसाला खिचड़ी। जैसे कि मकर संक्रांति आ रही है, तो इस संक्रांति आप इस मसाला खिचड़ी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ली हूँ एक छोटी कटोरी चावल। ये अरवा चावल है, इसके जगह आप चाहे तो बासमती चावल का भी यूज कर सकते हैं। और साथ में 3/4 कटोरी यानी कि इसका तीसरा भाग हम लेंगे मूँग की दाल। दोनों को अच्छे से धो लेंगे और इसे हम इसी तरह थोड़ी देर के लिए सोख होने देंगे, तब तक बाकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ली हूँ फूल गोभी, इसे बड़े बड़े इस तरह टुकड़ों में कट करेंगे। और साथ में आलू को भी हमें इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में ही कट करना है। इसके अलावा गाजर, मटर और बीन्स ली हूँ। तो यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले 2 चम्मच तेल। आज हम बहुत कम तेल का यूज करके बनाएंगे। इसमें डाल देंगे 1 प्याज को बारीक चॉप करके। प्याज को अब हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे प्याज जो है अच्छे से भून चुकी है, तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम थोड़ी देर के लिए प्याज के साथ में भून लेंगे। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर को बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके। इसे हम इस तरह मिक्स कर लेंगे जिससे हमारा प्याज जो है वो जलेगा नहीं। और गैस की फ्लेम को हम यहाँ पे लो कर देंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। इससे ज़्यादा हम इसमें मसालों का यूज नहीं करेंगे। आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे हरी मिर्च का यूज करूँगी, इसीलिए लाल मिर्च इसमें नहीं डाली। इसके बाद यहाँ सारे सब्जियों को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि मसालों के साथ में थोड़ा सा भून लेंगे। सब्जियाँ अच्छे से भून चुकी है, तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 4 हरी मिर्च। ये स्पाइसी वाला है, इसीलिए मैं 4 ही मसाले ये हरी मिर्च का यूज की हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे हमारे चावल और दाल को भी, और इसे भी हम मसालों के साथ में मिक्स कर लेंगे। पहले भी मैं खिचड़ी की रेसिपी जो है आपके साथ शेयर की हूँ, बिना लहसुन प्याज के आप कैसे बना सकते हैं। तो आप चाहे तो मकर संक्रांति में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो उसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैं डालूँ 1 चम्मच किचन किंग मसाला और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। किचन किंग मसाला अगर आपके पास है तो उसे आप ज़रूर डालें, इससे खिचड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही स्वाद अनुसार नमक। अगर हम यहाँ पे लिए हैं 1 कटोरी चावल, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 5 कटोरी पानी। पानी जो है हल्का सा हम गुनगुना लेंगे, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ हम ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 2 सीटी आने देंगे। 2 सीटी आ चुकी है, इसका प्रेशर भी जो है निकल चुका है। तो आप दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा खिचड़ी जो है बन के तैयार हो चुका है, सारा पानी भी जो है सूख चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसमें डालेंगे गरम पानी, ठंडा पानी एकदम भी ना डालें, पूरा उबला हुआ इसमें हम पानी डालेंगे। और इसे हम इस तरह हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, नहीं तो हमारी सब्जियाँ जो है वो सारी इसी में मिक्स हो जाएगी। यहाँ धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और हल्के हाथों से इस तरह मिक्स करते जाएंगे और गैस की फ्लेम को ऑन करके लो कर देंगे, जिससे खिचड़ी भी जो है हमारा पानी के साथ में भी पकते जाए। तो यहाँ हमारा खिचड़ी तैयार हो चुका है। इसके लिए तड़का बनाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 2 चम्मच तेल। इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच जीरा, थोड़ा सा हींग, 2 सूखी लाल मिर्च। लाल मिर्च को हम अच्छे से पका लेंगे। आप चाहे तो तड़का पहले भी लगा सकते हैं। और इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे जो है बहुत ही अच्छा कलर आएगा। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसे अब हम इसमें डाल देंगे। साथ में मैं डाल रही हूँ और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। गैस की फ्लेम यहाँ पर अभी लो बंद है और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मसाला खिचड़ी जो है बनके तैयार हो चुका है। इस खिचड़ी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें।